Welcome in our channel Market News. Please like and subscribe and press the bell icon for latest videos. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें आज बात करेंगे GTL इंफ्रास्ट्रक्चर की। दोस्तों, इसके बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा कि जो 5G लॉन्च हुआ है वहाँ पे जितना एक्सपेक्टेड था उतनी तेज़ी नहीं आई है। हालांकि दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको 3 मंथ का चार्ट ओपन करता हूँ, जिसमें आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियरली आपको दिखाई देगी। यहाँ पे देख सकते हैं जो 3 मंथ का हाई है वो 9 सितंबर को यहाँ पे 1.84 लगा है, और यहाँ पे 29 जून 2020 को ये 1.08 पे था। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट 80% का हाई है, और अभी भी आप देखें तो वहाँ से अप्रॉक्स 40% के अभी भी वहाँ से आप हाई देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो हायर हाई है और हायर लो भी है पहले के सेट में, तो एक चैनल में भी चलता हुआ जा रहा है, और यहाँ से फिर से जो सपोर्ट है वहाँ लेकर फिर ऊपर की तरफ चल सकता ही है। तो ये शॉर्ट टर्म की बातें हुई। आप यहाँ पर देखें तो आज के दिन जो रिजल्ट, मतलब जो आउटकम आया है वो दोस्तों काफ़ी अच्छी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22 सितंबर आज के दिन का अपडेट है ये, यहाँ पे इंटीमेशन ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, यानी जो आज के दिन खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें जो होल टाइम डायरेक्टर हैं वो 22 सितंबर यानी आज ही के दिन से इफेक्टिव है, उनका एक्सेप्ट कर लिया गया है रेजिग्नेशन को। तो जो मिस्टर मिलिंद के नायक है उनका यहाँ पर रेजिग्नेशन उन्होंने दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो रीज़न है वो बताया गया है कि उनका जो कुछ ऑनगोइंग हेल्थ इशू है उसके कारण से उन्होंने यहाँ पे रिजाइन किया है। कोई भी ऐसा मतलब डराने वाला रीज़न नहीं है यहाँ पे, जो इनका हेल्थ इशू है जिसके कारण से इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है कि हेल्थ इशू चल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि नया डायरेक्टर कौन बनता है, जिसके कारण से मैनेजमेंट में दोस्तों अगर बड़ी चेंज आती है तो उसका शेयर प्राइस में इम्पैक्ट दिखता है। हालांकि डिलीवरी देखिए तो काफ़ी बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, पहले कोई भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट नहीं था बीच में देख सकते हैं अगस्त में, लेकिन जैसे सितंबर शुरू हुआ है 5G का रोल आउट शुरू हुआ है यहाँ पे काफ़ी बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ हाई वॉल्यूम के साथ में, डिलीवरी भी काफ़ी अच्छी खासी उठाई जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप फिर से देख सकते हैं कि तेज़ी बनने के चांसेस इसमें दिख रहे हैं, और बिल्कुल ये 5G पर ही पूरी के पूरी तरह डिपेंडेंट है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखे तो यहाँ से जो आपको बाइंग करना है उसके बाद से इसका जो टारगेट है, पहला टारगेट दोस्तों 1.7 का सेट कर सकते हैं, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो दूसरा टारगेट आप यहाँ पे 1.85 का सेट कर सकते हैं, और तीसरा टारगेट आप यहाँ पे 2.25 का सेट कर सकते हैं। ये दोस्तों मीडियम टर्म का टारगेट है। तो ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। और अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं शॉर्ट टर्म पोजिशनल कॉल शेयर करता हूं, मार्केट मूवमेंट भी करता हूं। दोस्तों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।